सत श्री अकाल जी, स्वागत है सारे दा हमदर्द टीवी ते। मैं तुहाडे नाल स्वाति गौड लैके हाजर हाँ। इस वक्त की वड्डी खबर दस दिए कि सचिन थापन नूं अज मानसा लैके पहुंची है पुलिस। दिल्ली तो प्रोडक्शन वारंट हासिल कर उस नूं मानसा लिया गया है। इत्थे उसका मैडिकल होया ते हुण थोड़ी देर विच मानसा कोर्ट विच सचिन थापन की पेशी होगी। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले नाल जुड़ी यह वड्डी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। दस दिए कि प्लानिंग दे विच शामिल सी सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले विच सचिन थापन, जो कि इस पूरी प्लानिंग दौरान ही विदेश भज गया सीगा जाली पासपोर्ट के जरिए, और उस तो बाद भी लगातार वो गोल्डी बराड के नाल लॉरेंस बिश्नोई नाल ते इस तो इलावा बाकी शूटर्स के नाल भी संपर्क विच सी। ए भी किया जांदा है कि सचिन थापन जो है हथियारों की सप्लाई शूटर्स नूं इस वलों की गई सी, इस विच इसकी अहम भूमिका रही सी। और इत्थों तक कि जिस दिन कतल सिद्धू मूसेवाला का होया सी, क्योंकि 29 मई नूं पिंड जवारके विच गोलियां मार के कतल सिद्धू मूसेवाला का किया गया सी, तां उस दिन भी शूटर्स दे नाल संपर्क विच सी। जो रेकी की जा रही सी संदीप वालों, उस दे नाल भी गलबात हो रही सी। तां पूरी प्लानिंग दे विच एक अहम रोल रहा है सचिन थापन दा, लॉरेंस बिश्नोई दा भांजा इसनूं कहा जांदा है। और फिलहाल कुछ दिन पहला इसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने अजरबैजान तो की सी, और उस तो बाद दस दिए कि दिल्ली पुलिस दे वालों भी पूछ पड़ताल हो रही सी, पंजाब पुलिस वालों भी। तो हुण पंजाब पुलिस इसनूं मानसा लैके पहुंची है। हुण मानसा पुलिस लैके पहुंची है, कोर्ट विच पेशी हुंदी है, उस तो बाद बहुत सारे खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि रिमांड पुलिस हासिल करने की कोशिश करेगी। और पुलिस की कोशिश रहेगी कि वह तो रिमांड जो है इसका हासिल किया जा सके। तो सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले नाल जुड़ी एक वड्डी खबर तुहानू दस रहे हां। सचिन थापर नूं मानसा लेके पहुंची है पुलिस। दिल्ली तो प्रोडक्शन वारंट हासिल कर मानसा लेके सचिन थापर नूं पुलिस पहुंची है। इत्थे कोर्ट विच पेशी तो बाद पुलिस रिमांड हासिल करेगी, मानसा पुलिस वालों रिमांड हासिल किया जाएगा। इस पूरे मामले विच होर बहुत सारे खुलासे होंगे, क्योंकि परिवार लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले विच असल मास्टरमाइंड खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है, क्योंकि शूटर्स की गिरफ्तारी भी हुई, कुछ का एनकाउंटर भी होया, ढेर भी होए, लेकिन जो असल मास्टरमाइंड है गोल्डी पराड़ है या फिर लॉरेंस बिश्नोई, इस तो अलावा जो भी असल मास्टरमाइंड है, क्योंकि सचिन थापन भी इस मामले विच मास्टरमाइंड किया जाता है, क्योंकि पूरी प्लानिंग दे विच सचिन थापन शामिल सी और लॉरेंस दे नाल गोल्डी दे नाल लगातार इस संपर्क दे विच। तां फिलहाल मानसा कोर्ट दे विच पेशी होण जा रही है, और इस खबर ते होर जानकारी दे लई साडे सहयोगी मानसा तो संजीव लक्की जुड़ चुके ने। तां संजीव, वड्डी खबर है अज मानसा पुलिस कोशिश करेगी वध तों वध रिमांड हासिल करन दी सचिन दा, और फिलहाल पेशी नूं लैके की अपडेट? जी, बताना चाहूंगा, आज जो सचिन बिश्नोई है उसको मानसा पुलिस दिल्ली से स्पेशल सेल से लेकर आई है, प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई है, और मेडिकल होने के बाद इसको मानसा की अदालत में पेश किया जाएगा, वहीं पर इसका रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि ये सिद्धू मूसेवाला मामले में, इस कत्ल मामले में अहम कड़ी है, और इससे बड़े खुलासे होने की शंका जताई जा रही है। और परिवार की भी मांग है कि जल्दी से जल्दी जो कातिल है उनको पकड़ा जाए, जो मास्टरमाइंड है, जो मेन इसमें मास्टरमाइंड है, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे क्योंकि संजीव गिरफ्तारियां का सिलसिला से लगातार लंबे समय तो देख रहे हैं, परिवार मांग करता है, पर सचिन थापन का मैं जिक्र करूंगी क्योंकि एक अहम भूमिका कतलकांड विच रही है। प्लानिंग तो लैके हथियारों तो लैके कतलकांड वाले दिन तक शूटर्स नाल गलबात लेके सचिन की अहम भूमिका रही है। उस तो पहला विदेश फरार हो जाते हैं जाली पासपोर्ट जरिए, पर कुछ दिन पहला गिरफ्तारी होंगी है अजरबैजान तो, हुण मानसा पुलिस अपने ढंग नाल पूछ पड़ताल करेगी, तो बहुत सारे खुलासे होंगे इस मामले विच। जी तुहाडी गल बिल्कुल है जी, जिस जो सिद्धू मूसेवाले का कतल होया तो इस जो सचिन है ये जी शूटर की है वह काफी गलबात हुई है, तो गलबात तो बाद यह बाहरले मुल्क दे जान दे विच भी कामयाब हो गया सी, क्योंकि जाली पासपोर्ट के जरिए यह निकल गया सी, पर उस तो बाद इन्हू गिरफ्तार कर लिया गया, तो दिल्ली की स्पैशल सैल इन्हू लैके आई सी, ते उस तो बाद ही जिहड़ी मानसा पुलिस है हुण इन्हू लैके आई है, ते इह तों जिहड़े खुलासे करवाउणा जिहड़ा मानसा पुलिस है तो वड्डे वड्डे खुलासे भी हो सकदे ने, भी तो खुलासे करवाए जा सकदे ने। अज रिमांड है जिहड़ा अदालत वल्लों पुलिस वल्लों रिमांड की मंग की जाऊगी, देखना होवेगा अदालत दा जिहड़ा सचिन बिश्नोई जी बिल्कुल। ते संजीव, परिवार भी लंबे समय तो मांग कर रहे हैं कि पुत्त नूं इंसाफ मिलना चाहिए है, क्योंकि परिवार कह रहे हैं कि पुत्त चला गया है, हर कोई परिवार दे नाल भी खड़ा है, पर असल जो कातल ने उन्हां खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है, हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई करती हुई नजर भी आ रही है। जी ये गल बिल्कुल तुहाडी सही है जी, क्योंकि मानसा पुलिस है जिहड़ी इह उसे दिन तो ही
कातलों लभन से लगी हुई है। बहुत कातल ने जिहड़े जिहड़े अहम जिहड़ा जिन्हां की भूमिका उन्होंने भी पकड़िया गया, पर जिहड़ा अजे मास्टर माइंड है मेन जिहड़ा गोल्डी बराड़ का नाम आ रहा है वह अजे पुलिस की पहुंच तो बाहर है। परंतु जिहड़े होर भी जिहड़े कई इहदे च जग्गू भगवानपुरिया लारस बिश्नोई सारे जिहड़े इह ने गिरफ्तार किए जा चुके ने। जिहड़ा हुण सचिन हैगा इह तों जे अगर मानसा पुलिस चंगी तरह इहदी पुछगिछ गोल्डी बराड़ नूं वी लैके अपडेट सामने आउंदा रहा है कि कार्रवाई जिहड़ी है कीती जा रही है और इस विच सरकार दी भूमिका भी साफ तौर ते नजर आ रही है, क्योंकि सरकार भी यह कहिंदी हुई नजर आई कि असीं सारे दोषियों नूं काबू करके जल्द तो जल्द उन्हां नूं सजा देण दी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिलहाल एक वड्डी खबर यही है कि अज सचिन थापन की मानसा कोर्ट में पेशी हो रही है, तो पेशी तो बाद रिमांड हासिल कर उसनू अगे इत्थे रखा जाएगा, तो पूछ पड़ताल मानसा विच होगी मानसा पुलिस वालों। परिवार का भी इससे जरूर रिएक्शन सामने आ रहा है, परिवार कह रहे कि दोषियों की गिरफ्तारी हो रही है पर जो असल मास्टर माइंड है उसनू जल्द काबू करना चाहिए। इस खबर से लगातार साड़ी नज़र बनी हुई है, होर खबर ली तुसी बने रहो हमदर्द टीवी नाल।